अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए सऊदी अरब ने लॉकडाउन का ऐलान किया है। खाना काबा का तवाफ भी बंद कर दिया गया है और वहां पर मस्जिद नबवी में भी नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगा दी गई है। व्यूअर्स, लोगों को कहा गया है कि घरों में नमाज अदा करें और बगैर किसी खास वजह के किसी से ना मिलें और ना घरों से बाहर निकलें। सऊदी अरब में इस वक्त हालात बहुत कशीदा चल रहे हैं। पहले तो मोहम्मद बिन सलमान को बगावत जैसे मसाइल का सामना था, लेकिन अब कोरोना वायरस ने भी सऊदी अरब की जड़ें हिला दी हैं। कहा जा रहा है और दावा भी सामने आया है कि इस साल हज पर भी पाबंदी लगाई जाएगी और किसी को हज की अदायगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी, क्योंकि कोरोना वायरस एक ऐसा खतरनाक वायरस है जिसके जरासीम हवा में कुछ घंटे में फैलते हैं, जिसकी वजह से अगर कोई इस रास्ते से गुजरता होगा तो उसको भी ये वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। और इसी वजह से कोरोना वायरस की वजह से हज पर भी पाबंदी लगा दी जा सकती है। अब ये खदशा सामने आया है कि कोरोना वायरस पर काबू ना पाया गया तो इस साल हज की अदायगी नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों की जानें मुश्किल में नहीं डाली जा सकती। व्यूअर्स, सऊदी अरब में भी बहुत सारे केसेस सामने आए हैं जिस पर यह फैसला किया गया है कि लोगों को घरों से नहीं निकलना चाहिए नमाज के लिए भी, क्योंकि नमाज घर में भी अदा की जा सकती है, लेकिन आपसे फैला हुआ वायरस किसी की जान ले सकता है, इसलिए लोगों को घरों से ना निकलने का हुक्म दिया गया है। व्यूअर्स, आपके इस बारे में क्या राय है? अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।